बिना मोल्ड के इतनी परफेक्ट और खूबसूरत मिठाई, वाओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ एक कप कस्टर्ड से पूरे परिवार के लिए जबरदस्त मिठाई, जिसमें आपको पेड़ा और बर्फी दोनों देखने को मिलेंगे। और ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जहाँ मार्केट में आपको 1000 से 1200 रुपए किलो की मिठाई मिलती है, वही आप इस मिठाई को अपने घर पर बहुत ही कम कीमत में बनाकर तैयार कर सकते हो और स्टोर करके रख भी सकते हो और महीना भर तक के यूज कर सकते हो। तो चलिए हम कस्टर्ड की जबरदस्त मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 1/2 लीटर दूध, ये फुल क्रीम दूध है। अभी हम क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, गैस ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून देसी घी। अभी हम इसमें डाल देंगे तुरंत ये दूध, ये 1/2 लीटर दूध है और ये फुल क्रीम दूध है। अभी हम दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब शक्कर मेल्ट होने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो आप देख सकते हो शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी हम इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है पूरा 100 ग्राम है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई से चिपकने लगेगा, इसलिए इसको हमें कंटिन्यूसली स्टिर करना है। इसके गाढ़ा होने तक हम इसको मिक्स करते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमें हाई फ्लेम में करना है। हाई फ्लेम में रखने से झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगा और आप देख सकते हो कितना तेज इसमें उबाल आ रहा है। हमें बस कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये गाढ़ा होने लगा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है। और अभी भी ये हाई फ्लेम पर ही है, लो फ्लेम नहीं करना है। बस मकसद यही है कि कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे और आप देख सकते हो कुछ टाइम बाद ये कढ़ाई को छोड़ देगा और मावा की तरह ये थिक हो जाएगा और हमारे पास बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा खुशबूदार मावा जो है बनकर तैयार हो गया है। हमने अभी गैस बंद कर दिए हैं और इसमें डाल देंगे कस्टर्ड का पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो है पूरा 100 ग्राम है। हमने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ करे हैं। इसको हम मिक्स करके एक सार कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप देख सकते हैं ये थिक हो जाएगा और ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे पास मावा का और कस्टर्ड पाउडर का बहुत ही अच्छा मिश्रण जो है बनकर तैयार है। अभी हम इसकी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बर्फ़ी बनाएंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने इस तरीके का बिस्किट का क्रैपर लिए हैं। ये बिस्किट्स में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो हम इसमें डाल देंगे काजू बादाम की कतरन और कुछ टूटी फ्रूटी डाल देंगे। और ये जो मावा हमने बनाकर तैयार करे हैं इसको भी हम इसमें डालकर सेट कर देंगे। और फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इस तरीके की कोई बिस्किट के रैपर में बर्फ़ी बनाना है। आप एक प्लेट में भी उसको सेट करके जमा कर बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हो। तो हमने इसको अच्छे से सेट कर दिए हैं पूरी तरीके से और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। तो हम इसे रख देते हैं एक तरफ और हम देखते हैं बाकी के बचे हुए मावा को। और बाकी का जो बचा हुआ मावा है इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके का छोटा छोटा हम लड्डू बनाकर रख लेंगे। और आप देख सकते हो कितना अच्छा और ये मज़ेदार थिक सा बनकर तैयार हुआ है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके का मावा बना के तैयार करना है तो आपकी मिठाई जो है बहुत अच्छी मार्केट जैसी बनेगी। तो यहाँ पर हमने इसके सारे लड्डू बना दिए हैं और आप कढ़ाई देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें ये चिपका नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाथ में इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हाथ से हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें कोई भी मोल्ड का किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा हाथ से ही सुंदर सा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। आप देखते जाइए हम क्या करने वाले हैं। तो हम ये भरावन इसमें डाल देंगे। भरावन में हमारे पास टूटी फ्रूटी और काजू बादाम के कतरन है। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। और अभी हम इसे शेप देके पूरी तरीके से पैक कर लेंगे और पेड़े के जैसा शेप देंगे। बिल्कुल हाथों से ही हमें सारा काम करना है। और आप देख सकते हो इस तरीके से जो हल्का सा स्क्वायर टाइप का जो लुक आता है ना, वैसे लुक में हमको पेड़ा बना के तैयार करना है। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा फ्लैट और हल्का सा स्क्वायर जैसा। तो इस तरीके से हमने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, वो भी बिना किसी मोल्ड के। सुंदर सा इसमें बाजार वाली मिठाइयों जैसा लुक आएगा। तो बाकी के जो लड्डू हमने बनाए हैं उस पर भी हम भरावन डाल के इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं और इसका सभी का हम पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट और खुशबूदार मज़ेदार मिठाई जो है हमारे पास बनकर तैयार होती है। और ज़रूरी नहीं है आपको भी वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना है, आप अपने मनपसंद का कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हो।
हमने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ करे हैं। तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं, आप कोई भी फ्लेवर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितना सुंदर सा प्यारा सा हमने पेड़ा बनाकर तैयार करे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी लड्डुओं का पेड़ा बना के तैयार कर लिए हैं। और आप एक दो टक जो पेड़ा हमने बनाए हैं इसमें हमने कुछ डिज़ाइनिंग भी करे हैं, तो आप देखते जाइए हम इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। और ऊपर से हमने एक टुक चिरौंजी लगा दिए हैं, आप कुछ भी इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों में इस तरीके से एक पेड़े को उठा लेंगे। और जो आलू छिलने वाली कटर होती है ना, ये सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तरीका है, बस आसानी से सुंदर से मिठाई हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा हम इसको इसमें प्रेस कर देते हैं पेड़े में, तो आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसको 4 बार भी कर सकते हो या 6 बार भी कर सकते हो, जैसे फ्लावर होता है ना वैसी शेप हम इसमें देंगे, फ्लावर के जैसा हमें डिज़ाइन देना है इसमें। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको 4 बार प्रेस करे हैं और प्यारा सा सुंदर सा इसमें जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो गया है, वो भी बिना मोल्ड के। अभी हम इसमें ऊपर से टूटी फ्रूटी लगा देते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी कुछ भी लगा सकते हो। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा गोलू गोलू सा पेड़ा हमारे पास बनकर तैयार हुआ है। और सेम तरीके से हम बाकी के पेड़े में भी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं बिना किसी मोल्ड के। ये जो आलू छिलने वाला कटर होता है, सब्जियां छिलने वाला कटर होता है, सबके घर में अवेलेबल होता है, इसमें हमें कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और प्यारा सा सुंदर सा हम इसमें डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हैं। तो बाकी के जो पेड़े हैं ना उनमें भी हम ऐसे डिज़ाइन बना देंगे और ऊपर से ना टूटी फ्रूटी लगा के तैयार कर लेंगे। आप जब भी मार्केट से मिठाइयाँ लाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कुछ कुछ डिज़ाइन बने रहता है, वो कितना सुंदर लगता है। और वो जो चीज़ होती है मोल्ड वाला होता है, तो हम बिना मोल्ड के भी इतनी प्यारी सी सुंदर सी मिठाई घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बाकी के जो पेड़े हैं उनको भी शेप दे दी हूँ। आप चाहे 4 बार इसे प्रेस करो या 6 बार करो, बस इसे अच्छे से प्रेस करके इसमें डिज़ाइन बनाना है। और बाकी की जो साइड्स होती है ना उसे भी हम थोड़ा गोल गोल घुमा के सेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पेड़ा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त इससे खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। मेरे को तभी से इसे खाने का मन हो रहा है। और आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सारे पेड़े में अलग अलग तरह से डिज़ाइन करे हैं। और सिर्फ जो आलू छिलने वाला कटर होता है, सब्जियां छिलने वाला कटर होता है, इसी से मैंने सारे डिज़ाइन को बनाकर तैयार करी हूँ। तो आप भी इस तरीके से अलग अलग तरह का डिज़ाइन बना सकते हो जैसे कि मैंने इसमें बनाकर तैयार करी हूँ। अभी हम एक बार बर्फ़ी को देखेंगे जिसको हमने बिस्किट के मोल्ड में बनाए हैं। तो आप एक बार पास से भी देख लीजिए, छोटा छोटा सा पतला पतला सा हमने इसमें डिज़ाइन बनाकर तैयार करे हैं, ऊपर से टूटी फ्रूटी लगा दिए हैं और ये वाले में हमने चिरौंजी लगाए हैं। और आप इसको भरावन इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप भरावन अंदर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप मत डालिए। सादा भी बिना भरावन का भी ये बहुत अच्छा लगेगा। हमने इसे भरावन डाल के बनाए हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं बर्फ़ी को जिसको हमने बिस्किट के मोल्ड में रखे थे। इसको हमने पहले घी से ग्रीस कर लिए थे, तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा। और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से भी ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा दिखेगा। और जो बिस्किट का जो मोल्ड होता है, बिस्किट में जो रैपर आता है, वो तो हम कचरे के जैसे फेंक देते हैं, लेकिन वो भी हमारे बहुत काम आ सकता है, जैसे कि आज हमने इस बर्फ़ी को शेप दिए हैं। और आप देख सकते हो हाफ मून जैसा इसमें शेप आया है, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है देखने से। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो रही है। और हाँ, इसको हमें सेट करने के लिए फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर रूम टेम्परेचर में ही बहुत अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हो सिर्फ 1 कप कस्टर्ड से हमने पेड़ा भी तैयार करे हैं और बर्फ़ी भी तैयार करे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया स्टाइल में। और आप देख सकते हो बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी सांचे के हमने इतनी अच्छी बर्फ़ी और इतना अच्छा पेड़ा बनाकर तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी त्योहारों का सीज़न है, हमें एक के बाद एक मिठाइयों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे हमें काम भी होते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी मिठाई कम टाइम पे बनाकर तैयार कर सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल कम कीमत में, बिल्कुल कम खर्च में हमने सिर्फ 1 कप कस्टर्ड से इतनी सारी मिठाई बनाकर तैयार करी है। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होता है, यकीन मानिए। आप भी एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिए। और हम इसे एक बार कट भी कर लेते हैं इस तरीके से। बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं तो ये आसानी से ये टूट जाएंगे। और आप देख सकते हो हमने अंदर इसमें भरावन डाले थे।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मैं पूरा यकीन से बोल रही हूँ, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसमें पैसे भी बचा सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट करिए। बाय बाय।